नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। आज से शुरू होगी आईफोन 13 सीरीज की प्री बुकिंग। आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 मिनी आज से भारत में प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गया है। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 डुअल रियर कैमरा के साथ मौजूद है, तो वही आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स ट्रिपल रियर कैमरा के साथ पेश हुआ है। भारत के बाद आईफोन 13 सीरीज के लिए प्री ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस और दुनिया भर के 30 से अधिक अन्य देशों और क्षेत्रों में लाइव होंगे। बिहार सरकार की खास योजना, कोरोना पे विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बिहार सरकार कोरोना पर विजय दिवस के रूप में मना रही है। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर प्रधानमंत्री को बड़ा उपहार देने की तैयारी की गई है। इसके लिए पटना से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में रिकॉर्ड बनाने वाले टीकाकरण की तैयारी हो रही है। वेदर अपडेट, 3 दिन तक बिहार में बारिश का सिस्टम। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव होने का संभावना जताया है। मॉनसून की सक्रियता से बिहार के 12 जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि 26 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। एनआईटी पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में नए सत्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की जाएगी। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला एनआईटी पहला संस्थान होगा देश का। इससे पहले हिंदी दिवस के दिन आईआईटी बीएचयू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की घोषणा की थी, जो अगले सत्र से शुरू होगी। पीएम नीतीश ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। आज राज्य को देंगे 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की है। वहीं आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में मेगा कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप आयोजन किया गया है। इसके तहत राज्य में 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीएम 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इस वीडियो में यही तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।